जैम पे अगर किसी सेलर को किसी बिड में रिजेक्ट कर दिया जाए और सेलर को लगता है कि रिजेक्शन का रीज़न बायर ने सही नहीं डाला है, तो वो इस रिजेक्शन को चैलेंज कर सकता है। जैम पे सेलर को एक चैलेंज रिप्रेजेंटेशन का ऑप्शन मिलता है जिसको यूज़ करके वो ऐसा कर सकता है। आइए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। देखिए, किसी भी बिड में अगर कोई सेलर टेक्निकली डिस्क्वालीफाइड हो गया हो तो उसे वन टाइम रिप्रेजेंटेशन विंडो मिलती है जिसमें कि उसे रिजेक्शन का रीज़न दिखता है एंड फिर वो अपने रिजेक्शन को रिव्यू करके बायर को एक वन टाइम रिप्लाई कर सकता है। और साथ ही उसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का भी ऑप्शन मिलता है जिसमें कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स को वो अपलोड करना चाहे तो कर सकता है। ये रिप्रेजेंटेशन विंडो टेक्निकल इवैल्यूएशन होने के 48 आवर्स तक ओपन रहती है। इस बीच बायर बिड को आगे प्रोसीड नहीं कर सकता है। अगर एक भी सेलर को बायर ने डिस्क्वालीफाई किया है तो उसे 48 आवर्स का वेट करना ही होगा एंड जितने भी सेलर ने रिप्रेजेंटेशन विंडो में रिप्लाई किया होगा उन सबको री इवेल्यूएट करके अगेन उन्हें टेक्निकली क्वालिफाई या फिर डिस्क्वालीफाई करना होगा। इसके बाद ही बायर बिड को फाइनेंशियली इवेल्यूएट कर सकता है। आइए लाइव देखते हैं कि एक सेलर रिप्रेजेंटेशन विंडो का यूज़ कैसे करता है। सबसे पहले तो आप अपने जैम सेलर अकाउंट में लॉगिन हो जाइए। इसके बाद बिड के सेक्शन में चले जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बिड में मुझे शेड्यूल 1 और 26 में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो इस रिजेक्शन को मैं चैलेंज करना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे क्लिक हेयर टू सबमिट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मुझे डिस्क्वालिफिकेशन रीज़न एंड कमेंट दिख जाएगा कि किस वजह से बायर ने मुझे डिस्क्वालीफाई किया है। जैसे यहाँ पे बायर ने कई सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे मेरे से बट मैंने ये नहीं दिया था जिस वजह से मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था टेक्निकल इवैल्यूएशन में। तो अभी मैं जिस भी शेड्यूल के लिए रिप्लाई करना चाहता हूँ उसे सेलेक्ट कर लूँगा और अपना जो भी रिप्लाई होगा मेरा वो मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स बाहर ने मांगे हैं उन सबको मैं एक पीडीएफ में मर्ज कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। इसके बाद सबमिट पे मैं कर दूँगा क्लिक। अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो गई है। अब बायर मेरी रिक्वेस्ट को दोबारा से इवेल्यूएट करेगा और अगर वो सेटिस्फाइड होता है मेरे रिप्लाई से तो वो मुझे टेक्निकली क्वालिफाइड मार्क कर देगा, नहीं तो वो मुझे डिसक्वालीफाई ही रहने देगा। हम अपने सबमिटेड रिप्रेजेंटेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं यहाँ से जो कि अभी पेंडिंग शो हो रहा है। अब मैं बायर के रिस्पॉन्स का वेट करूँगा। तो अभी बायर ने मेरी जो रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्ट थी उसका रिप्लाई कर दिया है क्योंकि 48 आवर्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा से ही रिप्रेजेंटेशन की हिस्ट्री चेक करूँगा। यहाँ पर मुझे बायर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है और उसने रीज़न भी डाल रखा है। तो बायर ने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल ठीक है बिकॉज बायर ने मेरे से कई सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे एंड बैंक का लेटर भी मांगा था जिसमें कि मैं बैंक का लेटर पुराना वाला मैंने दिया था क्योंकि मेरे पास अभी नया लेटर नहीं है जिस वजह से मेरे को बायर ने डिस्क्वालीफाई ही रहने दिया है। अगर मैं सारे डॉक्यूमेंट्स सही दे देता तो बायर मुझे टेक्निकली क्वालिफाइड मार्क कर देता और उसके बाद मैं भी फाइनेंशियल इवैल्यूएशन में पार्टिसिपेट कर पाता। बट अभी इस केस में ऐसा नहीं हुआ है तो अब मैं दोबारा रिप्रेजेंटेशन विंडो को यूज़ नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ये वन टाइम होता है सिर्फ। तो अब बायर इस बिड को फाइनेंशियल इवैल्यूएशन के लिए ओपन कर सकता है। तो ये पूरा सिस्टम होता है चैलेंज रिप्रेजेंटेशन का जिसको कि बायर जब भी टेक्निकली डिस्क्वालीफाई हो जाता है उसको यूज़ करके अपना वन टाइम रिप्रेजेंटेशन रख सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।